अस्सलामुअलैकुम सज्जनों ते मित्रों भाइयों और उनकी बहनों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यार आज मंडे का दिन है और कल संडे को काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, फिर उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना सका। मैंने टारगेट बनाया हुआ था डेली 2 वीडियो अपलोड करने का, लेकिन मसला ये है कि यू नो हडरामी है, हमें हडरामी है इस पर तो कोई भी नहीं है, तो है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई इस वजह से मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया पॉलिटिकल्स वीडियो को दूर रखो, वहाँ पे इस पर ना बनाओ, फ़ायदा नहीं है, हेट स्पीच आएगी। तो बिल्कुल यार आप लोग सही कह रहे हो, मुझे थोड़ी सी अक्ल आई लेकिन बाद में आई, तो एक्सपीरियंस करते करते ही आएगी। इस तरह अक्ल किसी को नहीं आती, एक्सपीरियंस से ही आती है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी आपका काफ़ी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। आप पॉलिटिकल वीडियोस देखते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है और आपको पता चलता है। लेकिन उसके बाद अगर देखी जाए तो उनकी भी बात ठीक है कि आप ट्रेंड्स पे वीडियो बना सकते हैं या किसी ट्रैवल ब्लॉगर्स की वीडियो पे रिएक्शन कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं और अच्छे से कमेंट्स आ सकते हैं, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की। मुझे लगता 2 मिनट हो गए ने, बहुत ने। तो यार बहरहाल आज का वीडियो है शिव गंगा एक्सप्रेस ट्रेन, अब से सबको बेड रोल्स भी मिलेगा। और ये वीडियो है किन भाई की, ओए किधर गई, टैब ही बंद हो गई यार, मेरा इतना दिमाग खराब है ना, टैब बंद कर दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भाई के चैनल का नाम है वी एस मोनू व्लॉग्स। वी एस का क्या मतलब है भाई, अगर आपको गलती से मेरी वीडियो नजर आ जाए तो मुझे बता देना, शायद इंडियन दोस्तों को पता हो। वाह क्या सीन है। तो बहरहाल यार इनकी वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इनका भी चैनल विजिट कर लें। और अप्रिशिएट करता हूँ इनके जर्नी को कि इन्होंने हमारे लिए वीडियो छोड़ दिए, सारा का काम में ही है रिएक्शन दे के व्यूज लैके, तो इदा को अमीर हो जाना पाकिस्तान खरीद लेना। बकोल आपके यार के इंडिया के वीडियोस पे रिएक्शन देते हो, गरीब लोग इंडिया पे आके रिएक्शन देते हो, पैसा कमाते हो। भाई हाले तक मेरा ख्याल है मैं को 10-15 हज़ार रुपये कमाया। उसी सब्सक्राइब नहीं कर देना, व्यूज अच्छे आ रहे हैं। तो बहरहाल यार गपशप होती रहेगी, वीडियो को देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, फिर उसके बाद जाहिर है कि उसके बाद जरा त्रीफे श्रीफे भी कर दी है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर वापस आते हैं। घर से ब्लैंकेट लाना होता था, कैरी करके लाना पड़ता था, लगेज ज्यादा हो जाता था। क्या लग रहा है भाई साहब, जी क्या हाल चाल है आप सभी के। तो फिलहाल अभी शाम के बज रहे हैं 7 और अभी फिलहाल मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बहारगंज साइड। तो आज हम लोग की जो ट्रेन जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12560 न्यू दिल्ली बनारस शिव गंगा एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना न्यू दिल्ली से शाम 8:05 पे निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 6:25 पे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 755 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 10 घंटा 20 मिनट में 2 हॉल्ट के साथ। सो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में, ये रहा सीट नंबर 43 और आप देख सकते हैं ये रहा पिल्लो पहले से रखा हुआ है, ये ब्लैंकेट है और साथ ही इसमें है बेडशीट। तो ये सर्विस जो है अब लगभग ट्रेनों में स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप एसी कोच में जर्नी कीजिएगा तो अब आपको घर से बेडशीट, ब्लैंकेट और ये पिल्लो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी लंबे समय के बाद लगभग 2 साल बाद ट्रेन के एसी कोच में ये कर्टन्स आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही ये पिल्लो ने। तो पहले क्या होता था कि घर से आप पिल्लो लाते थे, बेडशीट लाते थे, ब्लैंकेट लाते थे, तो इससे क्या होता था कि आपका लगेज जो है बहुत हो जाता था, ज्यादा सामान लेके जर्नी करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि लगभग सभी ट्रेनों में आने वाले इस मंथ में लगभग सभी ट्रेनों में आपको ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी। आपको ब्लैंकेट मिलेगा, पिल्लो मिलेगा और ये बेडशीट मिलेगा और साथ ही थर्ड एसी कोच में
आपको इस तरह का कर्टन्स विंडो पे देखने को मिलेगा। अगर आप सेकंड एसी में जर्नी करते हैं तो उसमें प्राइवेसी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि साइड से भी आप कवर करके आराम से अंदर लेट सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जर्नी कर रहे हैं थर्ड एसी में, तो थर्ड एसी में ऐसा फैसिलिटी तो नहीं है। फिर भी ये सर्विस स्टार्ट हो गई, बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे इस चीज का, और फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। और मैक्सिमम ट्रेन में ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, और आने वाले समय में जो भी ट्रेन है प्रीमियम ट्रेन, उस सभी ट्रेन में और नॉर्मल भी जो ट्रेन है उसके एसी कोच में ये सर्विस आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस, जो लगभग 45 मिनट का समय बाकी है अपने ट्रेन निकलने में, पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन लगी हुई है, तो सोच रहे हैं ना 45 मिनट का समय बाकी है ही। तो अभी हाल ही फिलहाल में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज को डायरेक्ट दिल्ली मेट्रो से जोड़ा गया है। स्काई वॉक में आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि रात में ना भाई वो नजारा जो होता है ना स्काई वॉक का, बिल्कुल अलग ही होता है। चलिए दिखाते हैं। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, और सामने है 16, और 16 नंबर प्लेटफॉर्म के जस्ट सामने आप देख सकते हैं वो स्काई वॉक है, जो डायरेक्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज को, मतलब इसको दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिख रहा है स्काई वॉक रात में। तो भाई यहाँ से स्काई वॉक स्टार्ट है, और जितने भी पैसेंजर आप देख रहे हैं ना, ये सभी न्यू दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन से अभी आ रहे हैं, और सामने देखिए रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं। और भाई देखिए रात में कितना खूबसूरत लग रहा है स्काई वॉक, लाइटिंग देख रहे हैं भाई साहब गजब का। और ये गेट रहा न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन का, यहाँ से पैसेंजर लोग अंदर आ रहे हैं स्काई वॉक पे, और ये देखिए क्या लग रहा है भाई साहब गजब का। और सामने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और रही बात डिनर की, तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं साउथ इंडियन स्टॉल, तो यहाँ से कुछ साउथ इंडियन फूड लेते हैं और वही डिनर करेंगे, और आप लोगों टेस्ट बताएंगे कि अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन जर्नी करते हैं तो क्या आप यहाँ से साउथ इंडियन फूड ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। आज ट्राई करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो ये सब चीज़ आपको इस स्टॉल पे मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है इडली ले रहे हैं दो पीस वड़ा ले रहे हैं, और साथ ही दही वड़ा ले रहे हैं 2 पीस, और 2 मसाला डोसा ले रहे हैं। सुबह तो अभी रात के बज रहे हैं 8:30, और अब टाइम हो चुका है डिनर का, और डिनर हमने कहाँ से लिया, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, साउथ इंडियन एक स्टॉल है जो कि हमने आपको दिखाया था, वहीं से हमने लिया था डिनर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिनर में आज हम लोग क्या कर रहे हैं। 2 मसाला डोसा, दही वड़ा, इडली वड़ा, और जब दिया गया था उस वक्त बिल्कुल गर्मा गर्म था, अभी थोड़ा ठंडा गया है क्योंकि हम लोग का सीट जो है ना अपन बढ़ है, तो खाना वगैरह ऊपर ही रखे हुए थे और एसी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन है काफी बढ़िया। इडली बाकी सुनी शुल है, ये भी सही है, ठीक ठाक कह सकते हैं। ये गर्म है बिल्कुल, अभी तक ये ठंडा नहीं हुआ, ये ट्राई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं, सही है भाई, हलू का स्टफिंग बहुत अच्छे तरीके से किया गया। आइसक्रीम कौन दिया, आइसक्रीम कौन दिया, दही वड़ा। हेलो, तो दही वड़ा भी सही है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 2 हमने लिया था मसाला डोसा, 2 इडली, 2 वड़ा और 2 दही वड़ा,
टोटल हमको पड़ा 260 का। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सेकेंड एसी कोच में, और देखिए थर्ड एसी कोच में सेकेंड एसी कोच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए कर्टन्स तो थर्ड एसी कोच में भी आपको देखने को मिलेगा, थर्ड एसी कोच में आपको कर्टन सिर्फ इधर देखने को मिलेगा विंडो के साइड, लेकिन सेकेंड एसी में देखिए इधर भी कर्टन्स है, आप इसे कवर कर सकते हैं। और देखिए साइड लोअर बर्थ के इधर भी कर्टन्स है, ये देखिए ये रहा कर्टन्स, ऊपर भी कर्टन्स है। तो सेकेंड एसी कोच में प्राइवेसी आपको थर्ड एसी के अकॉर्डिंग अच्छा मिल जाता है, ये देखिए साइड लोअर साइड अपर। सो गाइस, तो अभी रात के बज रहे हैं 9:15 और अपने कोच के लगभग पैसेंजर, कुछ पैसेंजर सो गए हैं, कुछ पैसेंजर सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो चले मैं आपको अपने को पैसेंजर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? राजीव। कहाँ से आप? दिल्ली से। तो वीडियो कितने दिन से देखते हैं? बहुत टाइम से देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो तो बहुत टाइम से। कैसी लगती है मुझे? बहुत अच्छी है भाई, कुछ अगर गलत है तो बताइए ताकि हम बताएंगे। अच्छा है तो अच्छा ही बोलेंगे। मुलाकात तो पहली बार हुई है तो अभी बता सकते हैं, इनका क्या पता। अच्छा, आज से ये सर्विस स्टार्ट हुई है, ब्लैंकेट वगैरह कर्टन्स वगैरह लगा हुआ है, विंडो कवर बेडशीट वगैरह दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दो साल बाद ये सर्विस स्टार्ट हुई है, तो कोविड लोगों को बहुत परेशानी थी, लाइट जर्नी करते थे उनको दिक्कत हो रही थी, घर से ब्लैंकेट लाना होता था, कैरी करके लाना पड़ता, लगे ज़्यादा हो जाता है। बहुत अच्छा होना चाहिए, धीरे धीरे सभी टेंशन जरूरी है। तो ये चीज़ हमने भी आपको बताया था कि ये अब स्टार्ट हो गया है, तो अब सही हो गया क्योंकि अब ज़्यादा लगेज कैरी नहीं करना पड़ेगा पैसेंजर को, नहीं तो पहले एक बैग एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता था जिसमें ब्लैंकेट पिल्लो बेडशीट रखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लगभग ट्रेन में एसी कोच में आपको ये मिल जाएगा, बेडशीट वगैरह और ब्लैंकेट वगैरह अब मिलना स्टार्ट हो चुका है। और ऐसा सुनने में आया है कि 1 अप्रैल से लगभग जितनी भी प्रीमियम ट्रेन है सभी में आपको ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग सोते हैं और आपसे मिलते हैं। हाँ, लेकिन सोने से पहले कुछ ट्रेन का क्रॉसिंग दिखाना चाहते हैं, पहले वो देखिए। गोदम शताब्दी जो स्टेशन होगा शायद, हथरास जंक्शन। Invest in my name, check no restraints. तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी सीट पे, तो चलिए सबसे पहले बेडशीट लगाते हैं। अब हर बर्थ का प्रॉब्लम क्या है ना कि आप उनको ठीक से बैठ नहीं सकते, क्योंकि स्पेस जो है ना हेड रूम थोड़ा कम रहता है। तो देखिए मेरा सोने का तरीका अलग है, ब्लैंकेट लोग ओढ़ते हैं हम बिछाते हैं, पहले हम ब्लैंकेट भी बिछाएंगे उसके बाद बेडशीट ओढ़ेंगे फिर सोएंगे। चलिए ये रहा ब्लैंकेट, और ये बिल्कुल नया है क्योंकि मात्र 2 दिन हुआ है भाई, कल से सर्विस स्टार्ट हुई है, हर चीज ब्लैंकेट हो बेडशीट हो टॉवल हो हर चीज नया दिया गया। Obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think इसे ओढ़ के सोएंगे, साथ में एक और दिया गया है बेडशीट, इसको ब्लैंकेट के ऊपर से बिछाएंगे, साथ ही ये टॉवल दिया गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मुझे याद है आज से 2-2.5 साल पहले हम जर्नी कर रहे थे पुणे दुरंतो में, तो उसमें एक को पैसेंजर ने क्या किया था कि ब्लैंकेट साथ में घर लेके चले गए। अब बेचारे को कोच अटेंडेंट को प्रॉब्लम हुआ, उनको पैसा भरना पड़ा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है? That it was meant to be, living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the men. तो भाई अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं कानपुर रेलवे स्टेशन पे, तब तक चाहिए।
mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the pain. Morning guys, तो लगभग 440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन. और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 12 मिनट डिले. वैसे न्यू दिल्ली से बनारस के बीच इस ट्रेन का सिर्फ दो ही हॉल्ट है. पहला कानपुर सेंट्रल जो कि ये ट्रेन सुबह 1 बजे पहुँचाती है. दूसरा प्रयागराज जंक्शन जो कि ये ट्रेन सुबह 3:45 में पहुँचाती है. प्रयागराज में ये ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकती है और कानपुर में ये ट्रेन सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकती है. तो चलिए देखते हैं, यहाँ से भी लस्सी पीने का मूड हो गया भाई सुबह सुबह. चलिए देखते हैं, लेते हैं लस्सी यहाँ से. लस्सी है क्या? लस्सी लस्सी, हाँ अमूल का लस्सी दीजिए. दो दो कितने हुआ? 40. ओके. वैसे हम लोग की जो ट्रेन है वो आई है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे. और भाई सुबह सुबह लस्सी पीने का भी ना आनंद अलग ही होता है. दूसरा हॉल्ट तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि प्रयागराज वो 3:45 में आएगा. और पहला हॉल्ट हम लोगों ने किसी भी तरह कवर किया है. कोच के लगभग पैसेंजर सोए हुए हैं. कुछ पैसेंजर यहाँ पे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे बोर्ड किए हैं इस ट्रेन में. फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई 40 मिनट बिफोर. जी हाँ, इससे आपको सिर्फ गंगा एक्सप्रेस में उस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा. अगर मैं वाशरूम की कंडीशन की बात करूँ, कोच की कंडीशन की बात करूँ, साफ सफाई की बात करूँ, इस मामले में भी ये ट्रेन A1 है. मतलब आपको निराश नहीं होना पड़ेगा. वाशरूम का कंडीशन अच्छा, कोच का भी कंडीशन अच्छा. और रही बात खाने की, तो भाई इसमें पेंट्री कोच नहीं है क्योंकि 10 घंटे की जर्नी है. अब घर से खाना लेकर आइएगा, खाना खा के आइएगा, नहीं तो लेके आ सकते हैं. और मैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन के बारे में बात करूं तो ये ट्रेन 4 जनरल क्लास, 5 स्लीपर क्लास, 8 थर्ड एसी, 2 सेकेंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच के साथ चलती है. अगर मैं फेयर की बात करूँ तो मैं जर्नी कर रहा था थर्ड एसी में, उसका फेयर मुझे पड़ा
1150 रुपया। चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस बाय, और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू। वीडियो हो चुका है एंड यार, सबसे पहले तो मैं भूल जाऊंगा, मैं अभी देखो अभी भूल गया, टंडला जंक्शन वो बड़ा बेहतरीन था, मज़े का था। पहले इस तरह के मतलब जंक्शंस नहीं बनते थे, वो बहुत पुराने, पाकिस्तान में अभी भी हैं, ऑलमोस्ट अभी भी हैं, तो वो बड़ा अच्छा मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है और वो मुझे अच्छा लगा। बहरहाल उसको मैं मज़ीद डिटेल्स में जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद यार ट्रेन का सफ़र तो बड़ा बेहतरीन था, बहरहाल मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर जैसे दिख रहा है ट्रेन की क्वालिटी और ट्रेन में जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है वो अभी तक यहाँ पे नहीं है। अगर आप यहाँ पे आप बिज़नेस क्लास ट्रेन में भी जाते हो, यहाँ पे ब्लैंकेट शैंकेट नहीं मिलता भाई, एसी लगे होते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा यार बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा है। फ़ायदा इसलिए कि अगर आप फैसिलिटीज़ अच्छी देते हो, फैसिलिटेट करते हो कस्टमर्स को, पैसेंजर्स को, तो वो बार बार इसी ट्रेन में आएगा। आप अपना फेयर अच्छा रखते हो, आई थिंक 1100 रुपया फेयर बहुत नॉर्मल है, अच्छा पाकिस्तान के लिहाज से 2-3 हज़ार होना था, 3 हज़ार अभी भी बिज़नेस क्लास का 7-7 हज़ार रुपया है यहाँ से, तो बड़ा बेहतरीन है। फैसिलिटीज़ अच्छी दी हैं ताकि कस्टमर्स बार बार आएँ, पैसेंजर्स बार बार आएँ, और मतलब मज़े की मतलब फुल VIP प्रोटोकॉल। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये कोविड के बाद दोबारा सर्विस शुरू की गई है। अच्छा मुझे ये जानना है कि ये सर्विस दोबारा शुरू की गई है या ट्रेन वगैरह चलती थी या सर्विस चलती थी, लेकिन इसमें जो फैसिलिटीज़ है वो स्टार्ट की गई है, मैं ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। तो बाकी यार बड़ा बेहतरीन था, और उसके बाद जो दिल्ली मेट्रो स्टेशन है के साथ लिंक करता है आपका दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो बड़ा बेहतरीन है, मुझे इस तरह की चीज़ें मज़े की लगती है। अच्छा बड़ा अच्छा लगा कि इंडिया में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और मतलब बड़े समझ लो कि बढ़ता जा रहा आगे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी, उधर से निकलो सीधा ट्रेन में जाओ और मतलब कोई रोला नहीं है, सड़कें पार करो, इधर जाओ उधर जाओ, जलील हो, तो ये बहुत बेहतरीन है। बाकी मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि इसमें जो वड़ा पाव, दही भला, ये मतलब वड़ा पाव छोटा पाव ये क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस चीज़ की बनती है, रेसिपी क्या है, मुझे ये नहीं आज तक समझ आई। दही भल्ले तो नहीं है वो, बड़ा दही क्या उसको कहते हैं, वो आई थिंक दही भल्ले ही हैं हमें, यहाँ तो हम दही भल्ले कहते हैं। इसमें भल्लियाँ होती हैं और एक भल्ला होता है वो दाल, चने की दाल का बना होता है, और उसमें क्या उसको कहते हैं, प्याज और बंद गोभी कुछ इस तरह के इन्ग्रीडियंट्स डाल के, तो मसाले मसाले डाल के बनते हैं। अच्छा हमको सिखा दिया है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल है, दही और बीच में वो डाल दिया, पता नहीं मसाले हैं कि नहीं है। तो ये मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स क्या है, वड्डा पाव छोटे पाव में क्या फ़र्क है, साइज़ में छोटा है या कोई टेस्ट उसमें है। तो बहरहाल यार ये मुझे तो बड़ा मज़ा आया वीडियो देख के, और बाद में आप मुझे बताएं कि आपको ट्रेन कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ट्रेन का, अगर देखा जाए ना इसकी कलर टोन, और फिर उसके बाद बड़ी सफाई के साथ स्टेशन बड़े साफ़ सुथरे जहाँ अभी तक जो इसमें मुझे नज़र आए हैं। आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा। मैं नहीं बताऊंगा, गजब बेइज्जती है। बहरहाल वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से कमेंट्स करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।